सर ये बात ऐसी है कि ये लड़का काफ़ी परेशान करता था, तंग करता था, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसे कहा हबरदार है, हबरदार हबरदार चीखी चिलाई, तो अगर यहाँ पे ज़रा भी चीखी चिलाई ना तुम, मैं अपने दोस्त अंदर बुला लूँगा, मैं तो तेरे से सब कुछ करूँगा करूँगा, वो भी करेंगे। डंडा, उसका एक डंडा जो सा था ना मेरे हस्बैंड का, वो उसके सीने के ऊपर लग गया था जोर की, और जिसकी वहाँ पर ही मौत हो गई थी, भी डेथ हो गई, तेरी मौके पर ही डेथ हो हाल था। सर हमने उसको नहीं मारा, सिर्फ ये एक्सीडेंट था जो चाहती कि उसके डंडा लग गया, वो तुम्हारे साथ मेरा घर भी ले डूबा, मेरा पूरा का पूरा खानदान वो ले डूबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना मांगा मंडी के अंदर, जिसकी हदूद के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहां पर एक 18 साल के डिलीवरी बॉय को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जलाया जाता है, यानी कि इस वक्त वो मुलज़िमा मेरे साथ मौजूद हैं जिसने अपने शोहर के साथ मिल के 18 साल डिलीवरी बॉय को कत्ल किया है। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर उन्होंने उसको कत्ल क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आमना। अच्छा आमना, कितने साल हो गए हैं? माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2.5 साल की बेटी, 8 साल की बेटी और 3.5 साल का बेटा। मेरी बहन, ये क्या वाकया है कि आपने एक 18 साल के डिलीवरी बॉय को कत्ल करवाया है, उसके बाद उसकी लाश को जलाया है, ये सारी कहानी क्या है? सर ये बात ऐसी है कि ये लड़का काफ़ी परेशान करता था, तंग करता था, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। पहले ये बताएं कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही थी? बहुत अच्छी। और अच्छे थे? एग्जैक्टली, लेकिन मैं अपने शोर से कुछ भी दिल की बात करते हुए ना 2 दफ़ा सोचती थी कम से कम, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, अपने सारे भाइयों से भी सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इतने अच्छे थे तो वो कैसे एक थर्ड पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ गया और उसकी वजह से सारा मामला? सर उसकी जो मेरी फ़र्स्ट बात हुई, इतना उसकी मेरी फ़र्स्ट बात हो गई थी कि इश्क हो गया आपके साथ मैडम जी, दिल आ गया आपके ऊपर, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब मेरी उसके साथ वीडियो पे कॉल के ऊपर बात हुई थी और इस बात के अंदर आप हंस रही हैं? यस। उसके हंस क्यों रही हैं? सर मैंने ना उसको ना इस वेडिंग में कहा कि खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं, तो इस वेडिंग में मैंने उसको कहा, उसने ना उसी टाइम में स्क्रीन शॉट ले लिया, उसने कहा मैडम जी क्या आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, मुझे आपके बारे में ना बहुत कुछ पता है। और उसके बाद उसने मुझे ना उसके बाद उसने मुझे 2 कॉल्स की, मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की, मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया, ये काफ़ी नंबरों से परेशान कर रहा था। और इस बात का जिक्र मैंने अपने हस्बैंड से भी किया था, तो मेरे उसके बाद जब मैंने हस्बैंड कहा ना कि आप क्यों चेंज करना चाह रही हो, तो मैं उसको बता नहीं सकी कि मैं क्यों चेंज करना चाह रही हूँ। बताना था ना आपने, क्यों नहीं बताया? मेरे दिल में था कि उनके दिल में ना कोई आ जाए, कोई। कितनी देर तक ये आपको ऐसे कॉल्स करता था? और ये सर जो इसकी मेरी बात हुई थी वो वीडियो कॉल के ऊपर एक ही दफ़ा हुई थी। एक अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आ रही है और आप उसको उठा के आप अपनी तस्वीर दिखा। अम्मा के साथ बात कर रही थी ना उस टाइम, मैं मम्मा के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मम्मा मेरी काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, तो मम्मा ने कहा कितना नंबर आता पे, कितना फ़ोन आता पाया, तो मैं एकदम ऐसे डर गई, तो मैंने कहा कि मैं सुनूँ तो सही, देखूँ तो सही कौन है। तो जब मैंने कॉल रिसीव की तो आगे से ये बैठा हुआ था और इसने वहाँ पर ही ना स्क्रीनशॉट ले लिया, और उसके बाद ये ना काफ़ी मेरे पीछे पड़ा रहा, उसने कहा कि मैं आपको ना अपने साथ ऐसा बदनाम करूँगा कि आपके हस्बैंड ना खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा, मुझे ना आपके साथ इश्क हो गया। वो सिर्फ एक ही बात, उसकी तो और कोई बात ही नहीं, वो कोई बात करता ही नहीं था, उसको सिर्फ एक ही बात थी, उसकी बात वो यही थी, जिस बात से ना मुझे लगा कि कोई पगल है, पागल है, बेवकूफ़ है, छिछोर है, मतलब मैंने इस बात को, वो तो पागल था, वो तो छिछोरा था, आप तो नॉर्मल थी, आप तो समझदार। एग्जैक्टली। और मैं, आपने क्यों नहीं घर बताया? एग्जैक्टली, मैं हाँ ये मेरी गलती है कि अगर मैं अपने, बहुत बड़ी गलती, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ बात शेयर नहीं कर सकती तो कम अज़ कम, या आज मुझे ये बात याद आती है कि तो कम अज़ कम अपनी सास के साथ बात शेयर कर देती। कितने अफराद रहते थे? मेरे माशाल्लाह मेरी जॉइंट फैमिली है और हमारे घर में मेरे देवर की फैमिली है, उनमें 4 लोग हैं, हम लोग 5 लोग हैं और एक मेरे ससुर रहते हैं। इतना बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली के अंदर रहती थी, किसी से बात शेयर नहीं की? नहीं, हर एक का अपना अपना पोर्शन है, सारे अपने अपने पोर्शन में रहते हैं। गैप कम्युनिकेशन की वजह तो होनी चाहिए। गैप कम्युनिकेशन की? सर मैंने ना कभी किसी से इतनी बातें नहीं की, शुरू से ही बचपन से ही अम्मा बताती होती हैं खिलौना ले अकेला बैठी होती थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी, मैंने मेरी शुरू से कभी किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं रही, चाहे वो मम्मा हो, चाहे वो भाई हो, या चाहे वो कोई भी हो। अच्छा आपने बताया कि आपने अपने हस्बैंड को बताया मैंने सिम चेंज करनी है, उन्होंने आपको कहा सिम नहीं चेंज करनी? यस, उन्होंने कहा तुम्हें क्या जरूरत है सिम चेंज करने की। अच्छा। जब उन्होंने इस टून में कहा तो मैं वहाँ पर ही छुप हो गई। उसके बाद कुछ भी नहीं, ये घर आया हमारे घर इस तरीके से आया, उसने मुझे फ़ोन किया मैम आपका पार्सल आप नीचे आके रिसीव। ऑनलाइन शॉपिंग?
यस सर। उसके बाद ना मैं नीचे गई, मैंने नीचे जाकर दरवाज़ा खोला और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ये एक ब्रेट लेके ना अंदर एंटर हो गया और इसने ना मैंने हल्का सा इंग किया तो इसे कहा हबदर चीखी चिल्लाई, तो अगर यहाँ पे ज़रा भी चीखी चिल्लाई ना तुम, मैं अपने दोस्त अंदर बुला लूँगा, मैं तो तेरे सब कुछ करूँगा वो भी करेंगे। तो मैंने कहा तुम हो कौन, मैंने काफ़ी घबरा गई, तो मैंने कहा तुम हो कौन। आप कह रही हैं पहले वो आपको कॉल्स करता था, डिस्टर्ब करता था, फिर आप कह रही हैं मैं उसको कह रही हूँ तुम हो कौन, ये समझ नहीं सर, क्योंकि कॉल्स पे मैं उसे नहीं जानती थी, मैंने उससे बात ही नहीं की। नंबर कैसे आ गया सर? वो MSP कोरियर कंपनी का ना डिलीवरी बॉय। आपने वहाँ पर जाकर कंप्लेन की? नो सर, मेरी आपने करनी चाहिए सर, मैं कैसे चाहती। आपने कभी उनको बताया कि आपके स्टाफ का लड़का ये हरकत करता है? नहीं सर, ऐसे मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, मैंने तो अपने घर में कंप्लेन नहीं की, तो मैंने कंपनी में जाके करने थे। इससे पहले कितनी दफ़ा पार्सल दे चुका? आई डोंट नो, मैंने बताया ना, मुझे कहता था मैं तो आपसे इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। पता वो कितनी दफ़ा दे चुका था, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि वो कितनी दफ़ा आ चुका था या कब पहली दफ़ा उसने देखा था, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है। फिर उसको के बाद में बुलाती हूँ? पहले नहीं कभी बुलाया। आपने उसको कहा कि आप जाओ मैं आपको बाद में बुलाती हूँ? मैंने कहता नहीं 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 आज तो नहीं, मैं जाऊँगा, इतना भाव खाती हो व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर और सिम मैसेजेस के ऊपर, इतना भाव खाती हो, रिप्लाई नहीं देती मेरी किसी चीज़ का। कहता है मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, तुम मेरी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं देती। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, अच्छा। हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट थी, तो उसने मुझे कहा कि आज तो नहीं मैं छोड़ूंगा, आज तो नहीं मैं जाऊँगा। और सर उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे ले जाओ, मैं कहा वो देखो मेरे ससुर ने नीचे, आप इस टाइम जाओ। कहते नहीं 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 आज नहीं, मैं कहा तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। अनजान बंदा आपके घर के अंदर एंटर हो रहा है, आप चीखी चलाई नहीं? चीखने की कोशिश की थी, उसने ब्लेड रखा हुआ था। इतना बड़ा ब्लेड था वो ना इतना था आपके फ़ोन जितना, फ़ोन जितना ब्लेड था सर, आप चीखी चलाएं घर में इतने लोग। देवरानी का तो मुझे पता नहीं कि वो अपने पोस्टर में उस टाइम मौजूद थी कि नहीं थी, क्योंकि अब नहीं पता चलता कि यहाँ। फिर अंदर चला गया वो? फिर यस सर, वो फिर अंदर चला गया, फिर उसके बाद उसने मेरा पूरा घर चेक किया, वो मुझे साल घसीटता हुआ गया उसने। यस सर, और उसके बाद उसने मुझे अपने पास बिठा लिया। उसके बाद उसने मेरे से काफ़ी मिसबिहेव किया, हद से ज़्यादा। जो इंक्वायरी है उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपके उस लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात? नहीं ऐसा, जो हमें FIR के ज़रिए और जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे उसके साथ कोई ताल्लुक। ससुर ने, आपका बच्चे ने आपको देखा, फिर उन्होंने आपके ससुर को बताया, आपके ससुर ने आपके जो है शोहर को बताया? यस ऐसे हुआ। क्या हुआ था, कैसे बच्चे ने कैसे देखा? ऊपर आई थी ट्यूशन से, ऊपर आई थी भागती। किधर थे? ऊपर हम मैं बैठे। हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर, मेरे पोर्शन का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसके बाद मेरी बच्ची ने काफ़ी सवालिया नज़रों से मुझे देखा, उसको देखा, मुझे देखा, उसको देखा, मैंने उसको ऐसे करके इशारा किया, वो नीचे अबू के पास भाग गई। उसने अबू को पता नहीं किस वे में जाके कहा कि अबू मामा के साथ ऐसे ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो अबू ऊपर आए। अच्छा, जब मेरी बेटी नीचे गया ना तो इसे साथ ही दरवाज़ा नॉक कर दिया, इसे पहले दरवाज़ा नॉक नहीं किया था, लेकिन जब मेरी बेटी नीचे गई थी ना तो इसे साथ ही दरवाज़ा नॉक कर दिया, बंद कर दिया। हाँ जी, नॉक कर दिया, और उसी टाइम ही अबू ऊपर आ गए, उसी टाइम ही विद इन सेकेंड। अबू जब ऊपर आए तो वीडियो कॉल के ऊपर फरहान थे, और उसके बाद जब अबू ऊपर आए ना दरवाज़ा खटकाया तो ये डर गया, ऐसे हो गया। आपके ससुर ने आपके शोहर को बताया कि ये देखो तुम्हारी बीवी जो है एक नाजायज़ जो है, यानी कि लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और अंदर कमरे के अंदर बैठी है? नहीं, मेरे किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। अच्छा, यस, उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे शिकायत मिली है तो मैं इस तरह ऊपर जा रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात थी, अब आप खींच के इतना बना दें। फिर उसके बाद मैं ये किचन की तरफ को भाग गया और मैं दरवाज़ा खोलने की तरफ को भागी हूँ। हाँ जी, आपने उसको पूरी सेफ्टी भी दी है, आपके ससुर आ गए, फिर आपने जाके दरवाज़ा भी खोला? तो क्यों ना मैं दरवाज़ा खोलती अगर मेरे घर अनजान था ना, खड़क है वो तो अनजान, तो मैं उसको क्यों ना पकड़वा? आप कह रही हूँ मैं उसे जानता ही नहीं, मैं उसे क्यों ना पकड़वाती? आपके ससुर ऊपर आ गए, ससुर ऊपर आए तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलना था, मेरी पकड़वाती तो मैं दरवाज़ा खोलती तो पकड़ाती ना, मेरे ससुर तो दरवाज़ा खड़का रहे थे। दरवाज़ा फिर आपने बाहर का खोला? मैंने अपने ससुर का दरवाज़ा खोला है जो मेरे कमरे का। आपने अपने रूम का दरवाज़ा खोला? यस। अच्छा, फिर हाँ जी, इतनी देर में वो माई टेरेस से भाग चुका हुआ था। टेरेस से भाग गया? यस सर। उसका फ़ोन जो जोन सा था ना वो हमारी टेरेस में गिर गया था, जो फरहान के पास आ गया था। कत्ल कैसे किया?
उसको कत्ल कैसे किया उस रात को मुझे नहीं पता। जो रिपोर्ट है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया आपके शोहर ने उसको बुलवाया था? यस, मेरे शोहर ने नहीं बुलाया उसको, ट्रैप करके। मेरे शोहर ने कोई ट्रैप किया? नहीं, मेरे शोहर ने नहीं उसको बुलाया था, ना उसको ट्रैप किया था, उसको खुद शौक चढ़ा हुआ था आने का, उसको खुद शौक चढ़ा हुआ। वो जाने के बाद दोबारा फिर आया? यस सर, उसकी फिर हिम्मत देखिए कि एक लड़की का इस तरह दरवाजा खड़काया गया। इसके शोहर ने ट्रैप करके बुलवाया? मेरे शोहर ने दोबारा फिर। वो कैसे? वो खुद आया था, वो तब भी पीछा नहीं छोड़ता, उसने एक फोन नंबर रखा हुआ था। वो भाग गया दोबारा फिर कैसे? सर उसने एक फोन नंबर रखा हुआ था, वो वहाँ से मुझे मैसेजेस करता था रोज, तंग करता था। मेरा फोन तो फरहान के पास था, उसका फोन भी फरहान के पास था, उसके बाद वो काफी परेशान कर रहा था। कत्ल कैसे किया ये बताओ मेरी? अच्छा मेन, अच्छा उसको शौक चढ़ा हुआ था खहराने का, हाँ जी। और उस टाइम उसकी मेरा आमना सामना, ये मेरी मुलाकात उस रात बिल्कुल भी नहीं हुई, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा ना, मेरा उसका सामने आमना सामना हुआ है। उस रात को मैं अपने देवर के रूम में सोई हुई थी, मैं और मेरे बच्चे। मेरे हस्बैंड के साथ जो मुलाकात हुई है ना, वो सुबह 4 बजे हुई है, जो फजर की अजानें हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ आओ, काम है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से पूछती गई हूँ तो उन्होंने मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इशारे करते गए। मैंने कहा आपका स्टमक का काफ़ी इशू है, फरहान को स्टमक का काफ़ी इशू है। मैंने कहा आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, मैंने कहा मैं यहाँ पे एम्बुलेंस बुला दूँ, मैंने कहा मैं किसको बुला दूँ, तो वो मुझे इशारा करते गए कि नहीं मैं ठीक हूँ। और रास्ते में मैं 2 दफ़ा सोई हुई गई हूँ, और एक जगह पर जाके उन्होंने गाड़ी काफ़ी तेज़ रोकी है। जब काफ़ी तेज़ गाड़ी रुकी है ना, तो मेरी आँख खुली है, और जब मेरी आँख खुली है तो वो फरहान ने पीछे से कुछ निकाला और निकाल के उसको फेंका। आप पहले कह रही थी मैं सोई हुई थी अपने रूम के अंदर, वहाँ से मुझे रूम के अंदर, देवर के रूम के अंदर सोई थी, वहाँ से उठाया उन्होंने? हाँ जी, दरवाज़ा नॉक। अच्छा, जब ये घर पे आया तब भी इसको मार दिया उसका घर? उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, मैंने जब अपने हस्बैंड से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रही ना आपकी बात, आपके हस्बैंड ने उसको घर पे बुलवाया? जी, मेरे हस्बैंड ने नहीं बुलाया, उसको खुश होक चढ़ा हुआ था, आ गया अंदर। यस, दरवाज़ा मेरे हस्बैंड ने खोला था। अंदर आया जी, मारा कैसे? मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बताया ना उस रात को, इसकी लाश को फेंकने के बाद। नहीं, मारा कैसे था उसने? डंडा मारा है, पिस्टल मारा है? डंडा, उसका एक डंडा जो सा था ना मेरे हस्बैंड का, वो उसके सीने के ऊपर लग गया था जोड़ की। अच्छा। और जिसकी वहाँ पर ही मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी, मौके पर ही डेथ हो गई थी। और फरहान गए थे, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं लगी कि मैं इसके साथ क्या करूँ या क्या ना करूँ। नहीं नहीं डाला, मैं नहीं उठा सकती उसको, मैंने नहीं डाला। यस, वहाँ से लेगी कहाँ पे? मांगा मंडी, उस टाइम मुझे नहीं पता था। मांगा मंडी की जी, वहाँ पे जाके लाश को जलाया जी, आपकी आंखों के सामने जलाया जी। वहाँ पे खुदा का खौफ नहीं आया? उस लड़के को मैंने, अब तुम रो रही हो, अब आपको उस लड़के को खुदा का, मुझे तो आता है, मुझे ना पुलिस भी थी, आप यहाँ पर आते, यहाँ पर पुलिस की मदद ले, मुझे तो अभी भी आता है खुदा का खौफ। उस लड़के को खुदा का खौफ नहीं आया, उसके घर वालों को भी तक खुदा का खौफ नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे को भी गंदा कही जा रहे हैं, मुझे भी गंदा कही जा रहे हैं। उनको खुदा का खौफ नहीं आ रहा कि वो दूसरों की बेटियों को आके ऐसे हाल लगाता था, उनको खुदा का खौफ नहीं आया, उनको अभी भी नहीं आ रहा, उनकी फैमिली को तो अभी भी नहीं आ रहा। तो जलाया इसलिए कि इसका नामो निशान खत्म हो? एक्चुअली जो उस टाइम फरहान के जहन में आया उन्होंने वो किया, जला दिया उस, जला के घर चले गए। अब क्या होना चाहिए आपके साथ? अब आप कानून की हिरासत में हो, बच्चे 3 बच्चे माशाल्लाह, बड़ी बेटी याद आती है मेरी, रो रही हो ना, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो किसके पास जाएंगे? अब आप रो रही हो मेरी बहन, किसके पास बच्चे जाएंगे? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया ना, आपकी गलतियों की सजा बच्चे भुगत रहे हैं। एग्जैक्टली ये बात तो है, आपकी गलती है ना, लेकिन मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो खुद लड़का बहुत ज्यादा परेशान करता था, तंग करता था, वो मेरी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता, और उसने मुझे कहा कि मारना ही हल था मेरी बहन। सर मैं नहीं मारा, मारना हल था सर, हमने उसको नहीं मारा, सिर्फ ये एक्सीडेंट था जो चाहती थी, उसके डंडा लग गया, वो खुद तो मर गया, साथ मेरा घर भी ले डूबा, मेरा पूरा का पूरा खानदान वो ले डूबा। कहना चाहती हो जो ऐसी खवातीन जो कि किसी के झांसे में आ जाती हैं, उन्हें कुछ मैसेज देना चाहती हो? उन्हें खुद ही मैसेज मिल गया होगा, दे देना माशाल्लाह से, वो ना हमारी आवाम बहुत ज़्यादा समझदार, आप मैसेज मेरे उनके कमेंट्स उनके आवाम बहुत समझदार है, खुद मैसेज दे दें ऐसी औरतों को, बस ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती, बस मैं ये कहूँगी खुदा किसी के ऊपर ऐसा वक्त ना लाए, किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना लाए।
ना पछतावा तो है ना, गलत हो गया, गलत हो गया, उसकी जान निकल गई, अचानक से उसकी जान निकल गई, गलत हो गया। नाज़रीन ये हालात हैं, आप देख लें कि अब रो रही है और पछता रही है, लेकिन कत्ल इनसे हुआ है, कत्ल की हमारे दीन में भी सज़ा है, कानून में भी सज़ा है, लेकिन बच्चियाँ छोटे छोटे, लेकिन वो अब किसके पास जाएंगे, ये इन्होंने नहीं सोचा। यानी कि एक डिलीवरी बॉय को, 18 साल का डिलीवरी बॉय था, और उसको बड़ी बेदर्दी के साथ इन्होंने पहले कत्ल किया, डंडों के वार के साथ कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जो है वो कहीं जंगलों में लाकर आग लगा कर जला दिया। अब ये भी कानून की गिरफ्त में है और शोहर भी इसके पकड़े गए हैं, लेकिन अब हिरासत में है, कानून की गिरफ्त में है, लेकिन पछता रही है। तो ये पहले क्यों नहीं सोचते? यानी कि ये मामला मैं समझता हूँ गैप कम्युनिकेशन की वजह से। अब ये बहन ने बताया कि मैं अपने शोहर से बात नहीं कर सकती थी, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये हो क्या रहा है। तो लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो सानियाँ पैदा करे, सबके लिए सानियाँ पैदा करे, इसके लिए भी सानियाँ पैदा करे, लेकिन इसे कत्ल तो इससे हुआ है, और कत्ल की पहले बताया कानून के अंदर भी और इस्लाम के अंदर भी सज़ा है। तो नाज़रीन ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वन पॉइंट।